नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे दुनिया का सबसे आसान तरीके से इंडिपेंडेंस डे पर चित्र बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको यहाँ पर एक सर्कल का शेप ले लेना होगा। कोई भी चीज़ ले लीजिएगा दोस्तों। हम यहाँ पर ढक्कन लिए हैं, आप गोला प्रकार भी ले सकते हैं या आपके पास चाहे जो है उसको ले लीजिएगा। इस तरह आपको एक हाफ सर्कल बनाना होगा। हाफ सर्कल बनाने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। तो इसके बराबर लीजिएगा और ऐसे आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना होगा। गाइज, अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप ऐसे ऊपर नीचे करते हुए ऐसे करिएगा, फिर इधर भी आप ऐसे बना देंगे, कुछ ऐसे शेप बना दीजिए। इधर आप पतला सा शेप बनाइएगा, यहाँ पर मिला देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। तो आप ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए और इसको हम डबल कर देंगे ऐसे। और गाइज, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है लाल किला कहाँ पर स्थित है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ऐसे कर देंगे। इसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। छोटी छोटी आपको लाइनें यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देना है। इसकी मदद से हम यहाँ पर पत्तियाँ बना देंगे। इधर ऐसे पत्ती बनाइएगा, यहाँ पर भी आप ऐसे छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी पत्तियाँ बना दीजिए। पत्तियाँ बनाने के बाद दोस्तों इधर से आप लहराता हुआ तिरंगा बनाइए। इधर ऐसे बढ़ाइएगा, फिर आप यहाँ पर ऐसे लहराइए एक लाइन, एक लाइन आप यहाँ पर लहरा दीजिए। यहाँ पर ऐसे चार बार लहराइएगा। इसके बाद आपको इसको ऐसे नीचे के साइड में मिला देना होगा। मिलाने के बाद दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आप ऐसे एक बादल बना दीजिए। पहले ये हो जाएगा आपका बादल और इधर से ऐसे करिएगा। इधर आप छोटी बड़ी लाइनें ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स लगा दीजिएगा। ये हमारा सन बन जाएगा। सन बनाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे कुछ बर्ड बना देने होंगे। जब बर्ड बन जाएगा दोस्तों तो आपको लाइन ड्रॉ करना है, छोटा सा यहाँ पे ऐसे सर्कल कर देना होगा। इधर भी आप ऐसे करिएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे सर्कल बनाना है, पॉइंट लगाना होगा और इधर आप 24 लाइन इसको काउंट करके कर दीजिएगा। अभी हम इसको कलर करेंगे तब करेंगे दोस्तों। इसको आप ऐसे नीचे करिए, यहाँ पर इधर छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर जय हिंद जरूर लिखिएगा। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे जय हिंद। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको बहुत ही आसान तरीके से कलर भी करना सीख लेते हैं।